क्या हो गया भाई? सो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। मैं पिछले कल मनाली में ही रुका था यहाँ पे, और अभी मैं जा रहा हूँ हडिबा माता जी के मंदिर। मंदिर यहीं पास में है, बाय वॉक जा सकते हैं। उसके बाद मैं आके निकलूंगा जीवी के लिए। सो चलते हैं गाइज। सुबह सुबह ठंड है, दबा के आज का मंदिर के दर्शन करने, ब्रेकफास्ट यहीं कर लूंगा, चेंज करूंगा राइडिंग गियर और फिर निकल जाऊंगा मैं। ये हडिबा माता जी का मंदिर, दर्शन कर लेते हैं माता जी के। सो ये लिख दिया भाई, फोटो खींचना सब मना है, फोटो नहीं खींचेंगे। याक दिखाता हूँ आपको, तभी चलते बांध के रखा इन्होंने। दो रहे आगे, याक है ना भाई? बैठना है याक में? नहीं भाई, थैंक यू। पैकिंग हो गई है पूरी, ये देखो सारा सामान पैक कर दिया मैंने। अभी जल्दी से बांधेंगे बाइक के सामान और चलेंगे। और देखो बाहर आज ना धूप निकल आई है, पहले बोल रहे थे कि बादल रहेंगे। हाँ, इतना तेज धूप तो नहीं है, हल्का हल्का है। तो चलते हैं गाइस। अच्छा था यहाँ पे, बाइक फ्रेंडली रूम थे। ये मैंने अपना लगेज बांधी बाइक के ऊपर, कपड़ा भी नहीं मारना है आज तो। 12 बज गए निकलते निकलते। तो गाइस मैं निकल चुका हूँ जीवी के लिए, डिस्टेंस है 1 से 1 किलोमीटर। 3 बजे के आसपास पहुंचूंगा मैं जीवी में। चलो ठीक है, नो इशू, रात का स्टे जीवी में ही है। 3 बजे पहुंच जाऊंगा तो मैं 4 बजे से 5-6 बजे तक एक्सप्लोर कर सकता हूँ। ये लिखा है बंजार 21 किलोमीटर यहाँ से, और बंजार घाटी में ही है वो। जीवी के लिए यही रास्ता है, जीवी के लिए, जीवी का रास्ते यही है। अंकल जी ने बताया लार्जी हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट है, 26 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है इधर लार्जी। और अभी तो इतना पानी यहाँ पे स्टोर नहीं है, पता नहीं क्या रीजन है। हमें इस साइड जाना है, यहाँ से 30 किलोमीटर है। ये घुमा दी बाइक हमने, जलोरी बंजार ये घाटी जाती है। ओके, सैंज वो तीर्थन घाटी में आपका स्वागत है। सो सैंज और तीर्थन वैली में यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। पेट्रोल डलवा लें, फुल कर दो भाई जी। तो चलते हैं, यहाँ से 29 किलोमीटर है, बंजार वैली से होके जाऊंगा मैं जीवी। भी पीछे बाइकर है एक, कहाँ का है कौन है ये नहीं पता। कहाँ जा रहे हो अभी भैया? मैं भी ठीक हूँ। महाराष्ट्र से आए हैं आप बाइक लेके? हाँ, मैं पूरा ऑल इंडिया राइड पे। अकेले आए हैं आप? यस यस, सोलो। आप? मैं तो हूँ यहीं का, मैं हिमाचल से हूँ, बट नंबर मेरा उधर का है। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी कहाँ जा रहे हैं? ऊपर जीवी? जीवी रुक रहा हूँ। मैं भी जीवी जा रहा हूँ आज। अच्छा, कहाँ पे रुके हो आप? अभी पता नहीं रुकूंगा कहाँ पे, अभी तो आया हूँ। बहुत लंबा जाम लगा रखा है, पता नहीं क्यों, क्या हो गया जाम, पता नहीं क्यों लगा रखा है इन्होंने। क्या हो गया भाई? अभी ठीक है सभी? अच्छा, ओहो भाई आप इधर आ जाओ, ये ट्रक वाला बैग लेगा ना, आ जाओ पीछे। सो गाइस तो यहाँ से है 14 किलोमीटर, और आगे भाई बोल रहे हैं बस एक्सीडेंट हुआ है कहीं। ओके, ये बस है, कोई बस का एक्सीडेंट हो गया भाई, कान के साथ घुस गई जाके। हाय, हाउ आर यू बेटा, व्हाट इज योर नेम? ओके, टाइम बज रहे हैं 2, आधे घंटे का रास्ता हो रहा है यहाँ से वहाँ घुस गए जाके। हम बाइकर्स तो निकल गए आगे, बस ने अपना कंट्रोल खो दिया था, बोले ड्राइवर ने ना। तो मैंने पूछा कि कहीं गाड़ी गुड़ी से टकरा के या गाड़ी को बचाने के चक्कर में, बोल नहीं नहीं वो उसका खुद उसी साइड गई है बस। तो ड्राइवर ने अपना कंट्रोल खो दिया। देखो भाई कितनी हाइट पे आ चुके हैं हम भाई, बर्फ में बाइक फिसली।
बाइक नहीं जा सकती ना, बाइक 1 किलोमीटर जाएगी, तो फिर बाइक वहाँ पे सामान के साथ छोड़ सकते हैं। हाँ जा के आते हैं, लेक तो देख के आते हैं एटलीस्ट। चलो फिर कहाँ से आती है, चलो फिर। मैं निकल चुका हूँ जीबी से वापस, और तो मैं गया था ऊपर जलोरी पास गाइस, और वहाँ से मैं नीचे आ गया। जीबी में नहीं रुका, मैं सोच रहा हूँ कि आगे जाके कहीं हाईवे पे रुकूंगा मैं, मंडी वाले हाईवे पे। और यहाँ पे जाते टाइम बताया था ना जो बस एक्सीडेंट हुआ था, उसी का साइज जाम लगा हुआ, अभी भी बहुत लंबा जाम है। ये है वो बस ठुकी हुई, ऐसा बुरा हाल है रोड का, रोड दिख कहाँ रहा है, कुछ नहीं दिख रहा आगे, रास्ता कच्चा भाई बिल्कुल ही, ऑफ रोड का कुछ दिख नहीं रहा है। टाइम हो चुका है 9:30, मैं हूँ मंडी में, और मंडी में मैंने रूम ले लिया है। बुरा हाल था रास्ते का, देखो पूरे कपड़े धूल से भर गए हैं, हेलमेट धूल, कपड़े, बैग, लगेज सब धूल से भर चुके हैं। ये था कुल्लू सीरीज का लास्ट ब्लॉग, इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को भी एंड करते हैं। मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।